वेलकम टू पीटी रेसिपीज। हेलो फ्रेंड्स, पूरणपोड़ी या पूरणपोली एक ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन रेसिपी है जो कि त्योहारों में बनाई जाती है। इसे घी, शक्कर, दूध या आमटी के साथ खाया जाता है। आज हम पारंपरिक महाराष्ट्रियन तरीके से पूरणपोली बनाएंगे, तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। क्या है चना दाल? पूरणपोली बनाने के लिए सबसे पहले चना दाल को अच्छी तरीके से धो लेंगे। आजकल पाउडर वाउडर भी लगाया हुआ मिल जाता है, तो इसीलिए इसे बहुत अच्छे से हम धो लेंगे। तो ये हमने दाल अच्छे से धो ली है। यहाँ हमने 250 ग्राम दाल लिया है और इसे करीब एक घंटे के लिए हम भिगो के रख देंगे। तो ये धुली हुई दाल में हम पानी डाल देंगे और इसे करीब एक घंटे तक हमें भिगो कर रखना है। पहले से अगर भिगो के रख ले तो इसे पकाने में बहुत आसानी हो जाती है। एक घंटे के बाद देखिए दाल को हमें फिर से धोना है एक बार। यह अब अच्छे से फूल गई है और इसे अब हमें पकाना है। तो पकाने से पहले एक बार हमने दाल को और धो लिया। अब इस दाल को हम कुकर के पॉट में निकाल लेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट कुकर में भी पका सकते हैं या किसी और बर्तन में भी पका सकते हैं। दाल में पानी इतना डालना है कि 3 सीटी पकने के बाद दाल अच्छे से गल भी जाए और इसमें पानी बचा भी ना रहे। तो इतना पानी डाल के हमें पकाना है। तो ये हमने 3 सीटी दाल पका ली है। देखिए दाल पक जाने के बाद में कितनी बढ़िया पक गई है। इसे दबाते ही एकदम पाउडर सा बन जा रहा है। तो इस तरीके से दाल हमें पकानी है और इसमें कोई पानी भी नहीं बचा है। अब इस दाल को हमें बहुत अच्छे से मैश करना है। आप चाहे तो इसे मिक्सी में पीस सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ से इस तरीके से आप मैश कर लीजिए। मैशर का यूज़ कर सकते हैं, ग्राइंडर में आप ब्लेंड कर लीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि दाल का कोई टुकड़ा भी ना बचा रहे, पूरी तरीके से एकदम महीन हो जाए, है ना। इस तरीके से हमें इसे मैश करना है, क्योंकि अगर ये पूरा महीन ना हो तो फिर जब हम पूरन पोली बनाएंगे उस वक्त पूरन पोली फट सकती है। इस बात का ध्यान रखें कि ये बहुत अच्छे से इसका फाइन पेस्ट हो जाना चाहिए। आइए अब भरावन तैयार करते हैं, यानी कि पूरन तैयार करते हैं। तो एक कढ़ाई गरम करेंगे, इसमें डालेंगे घी। घी जब अच्छे से पिघल जाए तो इसे कढ़ाई में चारों तरफ फैला देंगे। और अब इसमें डालेंगे हम ये जो मैश की हुई और बॉइल्ड चना दाल है, इसे हम इसमें डाल देंगे और इसे हमें थोड़ी देर भूनना है। क्या होता है, कई बार जब हम दाल पकाते हैं तो इसमें पानी ज़्यादा रह जाता है, तो इसीलिए इसे हम इस तरीके से थोड़ा सा भून लेंगे और इसका हम मॉइस्चर उड़ाएंगे। गैस की जो है फ्लेम आपको मीडियम या लो रखनी है, हाई हीट पे इसे नहीं पकाना है हमें। इस तरीके से हम कढ़ाई में थोड़ी देर इसे चला लेंगे ताकि इसका मॉइस्चर उड़ जाए। तो ये देखिए करीब 2-3 मिनट हमने इसे पका लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे शक्कर। 250 ग्राम चना दाल लिया है हमने, तो इसमें हम डाल देंगे करीब 100 ग्राम शक्कर। आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप शक्कर ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और अगर आपको शक्कर पसंद नहीं तो इसमें आप गुड़ डाल सकते हैं। वैसे इसका ओरिजिन साउथ माना जाता है। यह कर्नाटक और तमिलनाडु में बहुत पॉपुलर है, जहाँ इसे ओबट्टू या होली के कहते हैं। यह महाराष्ट्रियन रेसिपी से थोड़ी सी अलग होती है। चना दाल में शक्कर की जगह पर गुड़ इस्तेमाल होता है और घिसा हुआ नारियल इसमें मिलाया जाता है। तो ये देखिए चना दाल में शक्कर बहुत अच्छे से घुल गई है। अब इसे हमें इस तरीके से चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि ये जो है इसकी कंसिस्टेंसी और ज़्यादा गाढ़ी ना हो जाए। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जायफल का पाउडर। आप चाहे तो इसमें हरी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसको थोड़ी देर चलाएंगे और ये जायफल का पाउडर है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जानी चाहिए, इसका सारा मॉइस्चर उड़ जाएगा और इस तरीके से ये थिक पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अब गैस कर देंगे बंद
और इसे हमें ठंडे होने देना है करीब 10 से 15 मिनट। पूरनपोली के लिए गेहूं का आटा लगाना है। जैसे कि नॉर्मल रोटी या पराठा बनाने के लिए आटा लगाते हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा मुलायम आटा लगाना होता है। आप देख सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट आटा है। इस तरीके का एकदम सॉफ्ट आटा हमें लगाना है। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा तेल डालेंगे और आटे की एकदम सॉफ्ट लो, ये एकदम सॉफ्ट लो हमें बनाना है। आप इस तरह से हाथ पे तेल लेकर भी इसे थोड़ा सा अच्छे से गूंद लीजिए। इस तरह का सॉफ्ट डो बनाकर हम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे और अब इसे हम रख देंगे करीब 10 से 15 मिनट तक। 10-15 मिनट के बाद देखिए कितना बढ़िया सॉफ्ट हो गया है। पूरनपोली बनाने के लिए हमें सूखे आटे की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इस तरीके से हाथ में हम पहले सूखा आटा लगा लेंगे और ये जो है आटे का डो, इसके हम मीडियम साइज़ के पेड़े बना लेंगे। इस तरह के देखिए मीडियम साइज़ के हम पेड़े बना लेंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं। सब्सक्राइब नाउ। अब देखिए भरावन के लिए जो पूरन बनाया है हमने, वो देखिए ठंडा हो गया है और ये बिल्कुल परफेक्ट पूरन बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है और ये ठंडा होकर थोड़ा सा और ड्राई हो गया है। ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब इसके भी हम मीडियम साइज़ के पेड़े बनाकर रख लेंगे। ये देखिए इस तरह। तो इस तरीके से मीडियम साइज़ के हम पेड़े बनाकर रख लेंगे। जितनी की पूरन पोड़ी हमें बनानी है उतने पेड़े बनाकर रख लीजिए। अगर ये पूरन या भरावन बच जाता है तो 3-4 दिन तक ये ख़राब नहीं होता। आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं और जब चाहे बाद में आप पूरनपोली बना सकते हैं। तो गैस पर ये तवा हमने गर्म होने रख दिया है। तो ये जो आटे की लोई है, इसको हम बीच में प्रेस करते हुए कटोरी से बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और ये जो है चना दाल का हमने पेड़ा बना के रखा है, इसको बीच में रखेंगे और बड़ी ही सावधानी से इस तरीके से हम ये पैक करेंगे और दोनों हाथों की सहायता से इस तरीके से पैक करके हम बढ़िया गोल इसे पैक कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से अगर आप अच्छे से पैक करेंगे तो ये बिल्कुल फटेगा नहीं। अब दोनों साइड से और इसके किनारों पर भी हमें आटा लगाना है, सूखा आटा, और इसे बहुत ही हल्के हाथों से बेलना है, बहुत ही हल्के हाथों से बेलना है। और ध्यान रखना है कि प्रेशर चारों तरफ इक्वल लगे, ताकि कहीं से मोटी कहीं से पतली ना बेले और चारों तरफ से हमें इक्वल रोटी बेलनी है। ये देखिए इस तरीके से पूरनपोली बिल्कुल बढ़िया ये तैयार हो गई है। अपना तवा भी गर्म हो गया है। आइए अब इसे सेक लेते हैं। तो ये हमने पूरनपोली डाल दिया है गरम तवे के ऊपर। शुरू में पहली जो पूरनपोली है वो तवे से चिपक सकती है, इसलिए आप क्या करें, इस तरीके से आप थोड़ा सा उसको अलग कर लीजिए, तवे से फ्री कर लीजिए। अब हम इसे तब तक रखेंगे जब तक इसमें थोड़े थोड़े से बबल्स दिखाई देने ना लगे। ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे बबल्स उभर के आ रहे हैं। अब इस कंडीशन में हमें पूरनपोली को पलट देना है। गैस की फ्लेम आप मीडियम रखिए, बहुत हाई हीट पे ना पकाइए।
अब इसमें हम डाल देंगे बढ़िया शुद्ध देसी घी, इसे हमने पहले से मेल्ट करके रख लिया है। अब पलट कर दूसरी तरफ भी हम इसमें घी डाल देंगे और दोनों तरफ से घी लगाकर इसे बहुत अच्छे से हमें सेकना है। आप देख सकते हैं पूरन पोड़ी कैसी बढ़िया फूल रही है। अब इस पूरन पोली को दोनों तरफ से बहुत अच्छा सुनहरा होने तक हमें सेकना है। फ्रेंड्स, पूरन पोली को लोग कई तरीके से खाते हैं। कोई सिर्फ इसके ऊपर घी डालकर खा लेता है, किसी को घी और उसके ऊपर ढेर सारे शक्कर डालकर खाना पसंद आता है, कोई जो है इसको दूध के साथ खाना पसंद करते हैं, दूध में थोड़ा सा शक्कर मिलाकर और दूध में डुबोकर खाते हैं, और कहीं कहीं पर इसे आमटी के साथ खाया जाता है। महाराष्ट्र में कहीं कहीं पर इसे आमटी या कटाची आमटी कहते हैं, उसके साथ खाते हैं, जो कि एक प्रकार की मिक्स दाल होती है। ये देखिए, ये पूरनपुरी हमारे तैयार हो गई है। इसके ऊपर हमने घी लगा दिया और अब इसी तरीके से हमें करना है। देखिए, आटे का इस तरीके से गोल गोल एक कटोरी से तैयार करेंगे और कटोरी में फिर ये हम जो चना दाल का भरावन है इसे हम इसमें भर देंगे और बड़ी ही सावधानी से इस तरीके से हम पैक करेंगे। अब ध्यान से देखिए, इस तरीके से पैक करके दोनों हाथों की सहायता से बिल्कुल बहुत अच्छे से पैक करना है। देखिए, कहीं से भी खुली ना रहे और फिर दोनों तरफ से आटा और किनारों पे भी आटा लगा के इसे बिल्कुल समान प्रेशर देते हुए हमें बेलना है। आप जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला बेलें। अगर पूरन पूरी अगर बहुत पतली आप नहीं बेल पा रहे, अगर मोटी भी बनती है तो भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है। बस इसे सेकते समय हमें ध्यान रखना है कि धीमी आंच पर काफ़ी देर तक सेक लीजिए तो ये अच्छी ही लगेगी। ये देखिए, एकदम थीन पूरन पूरी तैयार हो गई है। अब हम इसे सेक लेंगे दोनों तरफ से। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी पतली बनी है और ये कहीं से फटी भी नहीं है, टूटी भी नहीं है। तो इस तरीके से दोनों तरफ से हम इसे बढ़िया सेक लेंगे और घी लगाकर सेकना है। तो ये डाल दिया हमने बढ़िया घी, शुद्ध देसी घी। इसकी महक, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। इसकी जो खुशबू है, इसका जो अरोमा है वो इतना बढ़िया है कि क्या बताएं। पूरन पोली और घी दोनों का कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया, इसका अरोमा आ रहा है कि बस अभी मुझे अभी ही खाने का मन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाकर देखिए और ये देखिए, कहीं से भी न टूटी है न फटी है। आप हमारे तरीके से, इस तरीके से आप पूरन पोली बनाकर देखिए, ये कहीं से भी टूटेगी नहीं, फटेगी नहीं। तो ये देखिए, दूसरी पूरन पोली भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। आइए अब इसे सर्व करते हैं। हमें तो ये दूध के साथ खाना बहुत पसंद है, तो यहाँ हमने लिया है एक कटोरी में दूध। इसमें आप चाहे तो शक्कर डालिए और नहीं भी डालिए तो भी चलेगा, क्योंकि पूरन पोड़ी ऑलरेडी मीठी होती है। और ये गर्मा गर्म पूरन पोली, ये देखिए इतनी सॉफ्ट बन गई है कि देखिए ये इतनी जल्दी बढ़िया टूट रही है। इसे अब दूध में भिगोना है इस तरीके से और खाना है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।